guys, welcome to Study for Civil Services. Today is 15th of Jan 2020 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Is lecture mein hum log various sources se news ko cover karte hain, jaise ki The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint, jaise jo newspapers hote hain, unki news ko cover kiya jata hai. PIB ki reports ko discuss karte hain, Rajya Sabha television mein jo bhi important news discussion debates aati hain, unko cover karte hain, plus various magazines jaise ki EPW, Down to Earth ke bhi articles ko discuss karte hain. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना. एंड गाइज, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर न्यूज को भी कवर करते हैं. तो सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 की पहली न्यूज से. तो यहाँ पर बात हो रही है वंगा नारी फेस्टिवल के बारे में. देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि वंगा नारी अभी रिसेंटली न्यूज में थी तो ये क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु के कुछ गाँव में सेलिब्रेट किया जाता है. दोस्तों, आप लोग को जल्ली कट्टू नाम के एक फेस्टिवल के बारे में पता होगा भाई. 1.5-2 साल पहले ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज में हम लोग को जल्ली कट्टू फेस्टिवल देखने को मिला था, क्योंकि मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जल्ली कट्टू फेस्टिवल जो है उसको बैन कर दिया था. क्योंकि जल्ली कट्टू फेस्टिवल के अंदर आप देख सकते हो ये ऑक्स है राइट, और किस प्रकार से लोग बाग जो है वो ऑक्स के आजू बाजू है और ये ऑक्स जो है वो लोगों पर अटैक कर रही है. लोग बाग इस ऑक्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो एक ऑक्स की पूछ भी पकड़ रहा है. तो इस प्रकार से जो इंसिडेंट्स होता है उसमें एनिमल जो है गाइस उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है. तो ये सब चीजें देखते हुए और इस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जल्ली कट्टू को बैन कर दिया था. और उस समय फिर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग को जल्ली कट्टू फेस्टिवल को लेकर देखने को मिला था राइट. तो वैसे ही इसी प्रकार का ये फेस्टिवल है जिसका नाम है वंगा नारी. बट वंगा नारी फेस्टिवल और जल्ली कट्टू में डिफरेंस ये है कि जल्ली कट्टू में ऑक्स का उपयोग किया जाता था, बट वंगा नारी फेस्टिवल में फॉक्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि लोमड़ी का उपयोग किया जाता है और लोमड़ी के पैर वगैरह बांध दिए जाते हैं और इस प्रकार से स्पीसीज को जो है वो परेशान किया जाता है राइट. और ये तमिलनाडु के कुछ गांव में वंगा नारी नामक फेस्टिवल इस प्रकार का ऑब्जर्व किया जाता है. जल्ली कट्टू की तरह ही ये फेस्टिवल है और इसको लोमड़ी जल्ली कट्टू भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये वाली चीज भी आपको बतानी चाहिए. इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर जो है ये कन्नुम पोंगल जो होती है उस समय पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. और यहाँ पर लोगों की धारणा यह है कि जब ये इस फेस्टिवल को मनाएंगे तो भगवान इनसे खुश होंगे और काफी अच्छी रेन करेंगे और साथ ही साथ इनको कुछ गुड लक वगैरह भी मिलेगा. तो ऐसी ही लोगों की धारणा है, ठीक है ना. तो ये इस फेस्टिवल को लेकर इसलिए ये लोग बाग जो है वो अपनी धारणा के कारण, अपनी बिलीफ के कारण जो है एक एनिमल को डिस्टर्ब करते हैं और उसको इवन काफी बुरी तरह से ये हर्ट भी हो जाते हैं एनिमल इन सब एक्टिविटीज के चलते, क्योंकि इनके पाँव वगैरह बांध दिए जाते हैं और इस प्रकार के ब्रूटल इंसिडेंट्स इन एनिमल के साथ होते हैं. और रही बात फॉक्स की गई, तो फॉक्स बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, यानी कि इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन दी गई है कानून के तहत. कानून का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद रखिएगा. ये जो फॉक्स है, लोमड़ी है, इसको मारना या फिर इसको पकड़ना एक क्राइम है राइट. और प्रोहिबिट किया गया है इस फॉक्स को पकड़ना या मारने के ऊपर, यानी कि प्रोहिबिशन है. कोई भी इंडिविजुअल इस फॉक्स को ना पकड़ सकता है ना मार सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बट एक प्रकार का फेस्टिवल है जो कि फॉक्स को हर्ट करते हुए हम लोग को दिखाई देता है राइट. तो ये कुछ चीजें हैं ये वंगा नारी लोमड़ी जल्ली कट्टू से रिलेटेड जो कि आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और इससे बाहर का और कुछ पूछा नहीं जाएगा और इससे ज्यादा आप लोग को इससे इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना. गाइज, इस न्यूज में बात हो रही है बुद्धिज्म के बारे में. तो देखो गाइज, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म, तो ये थोड़ा ध्यान देना आप इसमें. तो यहाँ पर हम लोग दो साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक है भोजन कोंडा और दूसरा है लिंगाल मेटा. क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भोजन कोंडा क्या है या फिर लिंगाल मेटा क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट साइट है और ये दोनों की दोनों बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यानी कि बौद्ध मठ हम लोग को देखने को मिलते हैं राइट, जो कि 3rd century BC से बिलोंग करते हैं. और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नजदीक ये हम लोग को साइट्स देखने को मिलती है, भोजन कोंडा और लिंगाल मेटा राइट. और कहा जाता है कि ये ऐसी साइट है जिसमें बुद्धिज्म के तीनों फॉर्म जो है वो दिखाई देते हैं
राइट, तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं बुद्धिज्म के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला फॉर्म है वो है थेरवाड़ा फॉर्म। तो बुद्धिज्म का थेरवाड़ा फॉर्म, जहां पर बुद्धा जो है गाइस उनको, या फिर भगवान बुद्ध जो है उनको टीचर की तरह कंसिडर किया जाता है, उनको शिक्षक माना जाता है। महायाना फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इस फॉर्म के अंदर जो बुद्धिज्म है वो काफी ज्यादा डिवोशनल होता हुआ नजर आता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा भक्तिपूर्ण, बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक चीजें हम लोग को बुद्धिज्म के अंदर महायाना फॉर्म में देखने को मिलती है। और तीसरा फॉर्म है वज्रयान। तो वज्रयान फॉर्म के अंदर जो बौद्ध परंपरा जो है गाइस उसको तंत्र के रूप में प्रचलित किया गया है, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को तंत्र के रूप में प्रैक्टिस किया गया है। तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है वो वज्रयाना में हम लोग को देखने को मिलती है। तो बुद्धिज्म के अंदर भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, वो वज्रयाना बुद्धिज्म में दिखाई देती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर्म्स हैं बुद्धिज्म के, वो आप लोग को रटे होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और एक बार वज्रयाना फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड, राइट, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बताया जाता है कि ये साइट जो है गाइस यहाँ पर हम लोग को काफी सारे स्तूपाज देखने को मिलते हैं, रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं, और ईंट्स वाली मूर्तियां वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं, यानी कि ब्रिक बिल्ट ईंट से बनी मूर्तियां वगैरह, राइट। और इसमें काफी सारे मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं और सातवाना के सिक्के हम लोग को देखने को मिलते हैं। सातवाना किंगडम आपको पता होगा, राइट, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी की ये सब चीजें हम लोग को नजर आती है। सातवाना जो कॉइन्स है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी का है, वो यहाँ पर इस साइट में जो है वो मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ पे साइट में काफी सारी चीजें मिली है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में बोंजकोंडा या फिर लिंगल मेटा नाम के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, और ये ऐसी मोनेस्ट्री है जहां पर तीनों फॉर्म बुद्धिज्म के हैं वो नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये बस इतनी सी चीज है जो कि आप लोग को थोड़ी सी इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब देखो संक्रांति का भी समय चल रहा है, अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर क्या होता है गाइस कि संक्रांति के समय पर, संक्रांति चार दिन का जो फेस्टिवल हम लोग को नजर आता है, तो उसमें जो तीसरा दिन होता है वो कनुमा दिन के तौर पर मनाया जाता है, कनुमा दिन के तौर पर या फिर कनुमा दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर इस कनुमा दिवस जो है वो मनाया जाता है, यहाँ पर इस एरिया पे रहने वाले जो विलेजर्स हैं वो इसको कनुमा दिवस बोलते हैं, और यहाँ पर इस एरिया के यानी कि विशाखापट्टनम के आसपास जो ये मोनेस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है, तो वहां पर आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि वो यहाँ पर आते हैं संक्रांति के तीसरे दिन, जिसको कनुमा दिवस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक ऐसी चीज हम लोग को दिखाई देती है जहाँ पर वो बेसिकली पेट के आकार की कुछ एक चीज है, यानी कि एक मूर्ति है पेट के आकार की। तो यहाँ पर लोग बाग आते हैं और उस पर जो है वो पत्थर फेंकते हैं, उस पर पत्थर डाल के जाते हैं, और उनकी मान्यता यह है कि ये एक जो है वो राक्षस है, राक्षस का एक पार्ट है ये, यानी कि पेट जो है वो एक राक्षस का पेट है। बट अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर जो काफी सालों से जो ये चला आ रहा था कि लोग बाग यहाँ पर हर साल आते थे कनुमा दिवस के दिन पे, और कनुमा दिवस जो है वो संक्रांति का तीसरा दिन जो है वो मनाया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये तेलुगु लोगों का। तो ये लोग आकर यहाँ पर पत्थर वगैरह फेंकते थे, बट इन्होंने पत्थर फेंकना जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया क्योंकि इस मोनेस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और यहाँ पर कोई भी पथराव वगैरह इस प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती क्योंकि वो पत्थर मारते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि काफी सारे ये मॉन्यूमेंट जो है वो काफी सालों पुराना है और पत्थर रखने के कारण जो है वो इसमें वेट आ जा रहा है, और काफी सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिली है कि पत्थरों के कारण, पत्थर मारने के कारण या पत्थर रखने के कारण ये जो मोनेस्ट्री जो है वो खराब हो रही थी, राइट, टूट रही थी। तो इसलिए लोगों ने डिसीजन लिया और ये चीज को बंद कर दिया। देखो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमने जान ही लिया ये दोनों साइट्स जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, राइट। बट तीसरी चीज आपको ये कनुमा दिवस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है, बाउंसर आपके ऊपर फेंका जा सकता है, आप याद कर रहे होंगे ये दोनों चीजें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ यहां तक पढ़कर जो है वो छोड़ देंगे, वो अंदर घुसेंगे नहीं इस टॉपिक में। और आजकल यूपीएससी घुस के क्वेश्चन पूछ रही है, आपने 2019 का प्रीलिम्स देखा होगा, राइट, कि डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े से। तो देखो कनुमा दिवस बस याद रख लेना कि ये दिवस जो है वो संक्रांति के तीसरे दिन में ऑब्जर्व किया जाता है, और तेलुगु लोगों का ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, राइट। और इस समय लोग यहाँ पर आकर पत्थर वगैरह फेंकते थे एक बेली शेप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि एक पत्थर टाइप का था, मूर्ति टाइप की थी पेट के आकार की, तो वो बोलते थे कि ये राक्षस का जो है वो हिस्सा है, दानव का हिस्सा है, ठीक है, तो उस पर ये पत्थर वगैरह मारते थे। अब गाइस अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी एक मूवी लगी है तानाजी, जिसका नाम है मूवी का, अजय देवगन की मूवी है, राइट। तो देखो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तानाजी मलू सरे से रिलेटेड, क्योंकि ये तानाजी जो है गाइस ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मराठा एम्पायर की या मराठास की, और छत्रपति शिवाजी जी के टाइम पर ये पर्सनालिटी हम लोग को देखने को मिली थी, और इन्होंने एक सिंघड़ की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ सिंघड़ जो है 1670 में लड़ा था। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इससे रिलेटेड देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तानाजी मलू सरे कौन थे ये? तो गाइस मराठा सैन्य नेता थे ये, यानी कि मराठा मिलिट्री लीडर हम लोग को देखने को मिले थे, और छत्रपति शिवाजी जी के काफी नजदीकी सहयोगी थे ये, और इन्होंने बैटल ऑफ सिंघड़ की लड़ाई 1670 में लड़ी थी। तो ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी गाइस? तो देखो उस लड़ाई को लड़ने का कारण जो था वो ये था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि।
पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और छत्रपति शिवाजी जी के बीच में 1665 में, और इस संधि के अनुसार कहा गया था कि मराठा जो है उनको अपना किला, उस किले का नाम है कोंडाना किला, इनको अपना किला जो है वो मुगलों को देना है। तो ये इस संधि के अंदर लिखा था और ये किला इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो ये किले का नाम भी याद रखिएगा, कोंडाना किला। भाई कोंडाना किला को लेकर जो है ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी भाई, और इस किला, ये जब किला जो है वो चला गया मुगलों के राज में, तो इस किले के प्रोटेक्शन के लिए राजपूत रूलर्स थे वहां पर, यानी कि राजपूत रूलर्स ने अपने जो सोल्जर्स वगैरह जो है वो तैनात किए हुए थे इस किले की सुरक्षा के लिए। काफी सारे पठान थे और इवन अरब ट्रूप गार्ड्स भी, यानी कि अरब टुकड़ी के पहरेदार भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले थे भाई, जो कि काफी स्ट्रांगली इस फोर्ट जो है कोंडाना का किला जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब जब कोंडाना का किला जब चला गया मुगलों के अंडर, वो पूरा का पूरा किला राइट, और ये मराठास का कंट्रोल नहीं था उस किले के ऊपर, कोंडाना किले के ऊपर, और वो बाहर हो गए थे उस किले से, तो उस समय शिवाजी जी जी जो है, यानी कि छत्रपति शिवाजी जी, तो उनकी जो माता जी हैं राजमाता जीजाबाई, ये भी नाम याद रखने की आपको आवश्यकता है, तो राजमाता जीजाबाई जो है गई जिससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, नाराज हो गई थी राइट, काफी डिप्रेस हो गई थी कि किला जो है वो छीन लिया गया है इनसे राइट, तो उसको लेकर शिवाजी जी को काफी गुस्सा आया और शिवाजी जी ने तैनात किया तानाजी को राइट, तानाजी मालूसरे को, क्योंकि ये शिवाजी जी जानते थे कि सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान है पूरी धरती में, वो है तानाजी, जो कि इस कोंडाना किले जो है उसको किसी भी कीमत पे वापस हासिल कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने तैयार किया तानाजी को और चूज किया बेसिकली तानाजी को कि इस किले को जो है वो वापस से अपने कंट्रोल में लाया जाए, मुगलों के राज से जो है वो इस किले को निकाल लिया जाए और वापस मराठा इस किले को जो है वो अपने कंट्रोल में कर ले। यहां तक की बात क्लियर है आपको? अब देखो एक चीज ये भी बोली जाती है कि तानाजी जो है गाइस, इन्होंने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि किले में जो है वो सामने से नहीं आएंगे, क्योंकि सामने जो है वो काफी स्ट्रांग पहरेदार है और इस किले के साउथ रीजन में, यानी कि इस किले के पीछे जो है वो काफी कम पहरेदार है और ना के बराबर पहरेदार है, क्योंकि वहां पर एक खाई है, क्लिफ है बेसिकली, एक खड़ी पहाड़ी हम लोग को देखने को मिलती है राइट, तो इस कारण से वहां पर किसी भी पहरेदार को तैनात नहीं किया हुआ है। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किले को पीछे से जो है वो लांगेंगे और किले के अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर वहां पर मुगलों से जो है वो लड़ाई होगी और राजपूत के जो गार्ड्स वगैरह है उनसे लड़ाई होगी। ठीक है, तो इनकी ये पूरी स्ट्रैटेजी थी, तो ये पूरे ग्रुप बनाए इन्होंने और फिर साउथ के डायरेक्शन की तरफ चले गए। और कहा यह भी जाता है कि इन्होंने जब किला जो है बेसिकली उसको चढ़ने के लिए अपनी एक छिपकली का सहारा लिया था, इनके पास बेसिकली एक मॉनिटर लिजार्ड थी। तो देखो ये मॉनिटर लिजार्ड इस प्रकार की होती है, आप, मैंने ये फोटो इसलिए रखी है आपको दिखाने के लिए कि ये कितनी बड़ी ये मॉनिटर लिजार्ड होती है। देखो आप ये देख सकते हो कि एक ह्यूमन बीइंग है और उसके कंधे पर ये मॉनिटर लिजार्ड बैठी हुई है, एक छिपकली बैठी हुई है जिसका नाम था घोरपड़। तो इसका इनके, यानी कि इनका पेट था ये घोरपड़, तानाजी जी का, तो ये उसको अपने साथ लेके गए थे और उसको उसने चढ़ा दिया था ऊपर, क्योंकि ये छिपकली आप जानते हो कि ये दीवार पे चिपक के ऊपर चढ़ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इस छिपकली के ऊपर रस्सी बांधी और उस रस्सी की सहायता से जो है ये सभी लोग जो है वो ऊपर चढ़े थे, यानी कि ये छिपकली का भी एक रोल था ऐसा, कई बार जो है वो काफी सारे लेजेंड्स के अनुसार जो है वो कहा जाता है। तो ये वाली चीज थी, अब ये कितनी सच है कितनी नहीं है उसके बारे में नहीं पता, बट काफी सारी जगह पर काफी सारे सोर्सेज में इस छिपकली का भी वर्णन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी घोरपड़ के बारे में थोड़ा पता होना, एक आइडिया होना जो है वो जरूरी था। अब क्या किया इन्होंने, रस्सी वगैरह लगा दी पीछे से और जो है ये एंटर हो गए। अब एंटर होने के बाद मुगल जो थे गाइस वो काफी सरप्राइज हो गए थे कि अरे ये तानाजी कैसे आ गए अंदर और इतने सारे मराठास अंदर कैसे एंटर हो गए। बट क्या था, किले के अंदर मुगलों की संख्या काफी ज्यादा थी राइट, एज कम्पेयर टू मराठा के जो वॉरियर्स थे जो ऊपर गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनके कंपेरिजन में अंदर मुगल्स काफी ज्यादा थे। तो दोनों के बीच में क्लैश हुआ, काफी लंबे समय तक जो है ये लड़ाई चलती रही, लड़ती हम लोग को देखने को मिली और उसी लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली तानाजी जो है गाइस वो बहुत ही बुरी तरह से गंभीर, उनको चोट लगी, घायल हो गए और फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या किया कि तानाजी के जो ब्रदर हैं, भाई जो हैं, सूर्या जी मालूसरे, तो उन्होंने जो है वो पूरे जो एनिमीज जो है उनको खत्म किया। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए कि लड़ाई के बीच में ही तानाजी मालूसरे जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो तानाजी के जो ब्रदर थे सूर्या जी मालूसरे, तो उन्होंने लड़ाई को कंटिन्यू रखा और उसके बाद फिर उन्होंने इस लड़ाई को जीता। और उसके बाद जीतने के बाद शिवाजी जी ने तानाजी मालूसरे की याद में या फिर उनको सम्मानित करते हुए इस किले का नाम जो है वो सिंघड़ रख दिया, सिंघड़, और सिंघड़ का मतलब होता है लायन फोर्ट, शेर का जो है वो किला। तो ये इस प्रकार से ये पूरी ओवरऑल स्टोरी हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये कुछ चीजें आप लोग को इससे रिलेटेड बस याद होनी चाहिए, एक स्टोरी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या था भाई, क्या हुआ था, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग को चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन क्रैक करना है आपको, वहां पे जाकर सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं मिलेगा आपको तानाजी मालूसरे, आपको और भी काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो कई सारे लोग क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो दो दो बुक पढ़ मारते हैं, अलग अलग सोर्सेज से कुछ कुछ चीजें पढ़ मारते हैं,
पढ़ो सिर्फ उतना जितना काम का है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, और लिखो भी तो कुछ होगा नहीं, राइट। और बाकी आप जानते हो कि काफी कम लिमिट्स होती है वर्ड्स की भी, अगर मेंस में अगर बाय चांस इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाए तो इतनी जितनी चीज मैंने आपको बताई है उतनी मोर देन सफिशियंट है, उससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक स्पेशल चीज भी मैंने आपको बता दी कि आप मेंस में अगर बाय चांस आ जाए तो आप इस चिपकली का भी, घोरपड़ का नाम भी जो है वो लिख सकते हो, एटलीस्ट आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो प्रोवाइड करा सकते हो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये पूरी चीजें थी जो कि आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूज में बताया जा रहा है कि कोलकाता का जो बंदरगाह है, कोलकाता का पोर्ट जो है उसका नाम चेंज किया जा रहा है, इसका नाम रखा जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। तो ये सेंटर ने डिसीजन लिया है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर है, स्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उनके नाम पर जो है वो इस पोर्ट का नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट एक याद रखिएगा गाइस आप, और एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि कोलकाता पोर्ट है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा जाएगा, तो ये जो पोर्ट है गाइस ये एक लौता हमारी कंट्री का रिवराइन पोर्ट है, एक लौता एकमात्र नदी का बंदरगाह है रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट क्या होता है, ये पोर्ट जो है गाइस वो रिवर के ऊपर बना हुआ है। जनरली हम लोग देखते हैं ना कि समुद्र पे पोर्ट होता है, जो बंदरगाह जो होता है वो समुद्र के किनारे होता है, बट ये जो है ये बंदरगाह हम लोग को देखने को मिलता है ये हुगली नदी के ऊपर है, और ये कलकत्ता का आप देख सकते हो, ये कोलकाता का है कोलकाता पोर्ट, और ये नदी के अंदर यानी कि शिप वगैरह जो है वो नदी के थ्रू अंदर एंटर होती हुई जाती है, राइट। और बोला जाता है कि काफी डिफिकल्ट नेविगेशनल चैनल है यहाँ पर, यानी कि क्योंकि काफी सक्रिय रूट है और आराम से जो है वो शिप वगैरह को यहाँ से, वेसल्स वगैरह को यहाँ से जाना रहता है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री का एक लौता रिवराइन पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिसका नाम अभी चेंज किया जा रहा है, और ये समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र इस पोर्ट से 203 किलोमीटर दूर है क्योंकि ये नदी के ऊपर पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट नाम से समझ में आ रहा है, रिवराइन, ठीक है। और एक और फैक्ट था कि अभी कुछ समय पहले ओडिशा ने भी प्लान किया था, प्रपोजल रखा था कि रिवराइन पोर्ट जो है वो ओडिशा बनाएगी, वहां पर वहां से निकलती है महानदी नदी का नाम आपको बताऊं होना चाहिए, ओडिशा से निकलती है वो, काफी फेमस नदी है। तो ओडिशा से जब वो महानदी नदी निकलेगी तो महानदी नदी के ऊपर जो है ये रिवराइन पोर्ट जो है वो बनाने की बात की गई थी, राइट। तो ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ समय पहले ये प्रपोजल चल रहा था बट अभी तक जो है वो पोर्ट बना नहीं है। अभी के लिए एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक लौता रिवराइन पोर्ट है जो कि कोलकाता पोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है, और एक और प्रपोजल है ओडिशा का, बस उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर एक सागर आइलैंड भी है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है सागर आइलैंड कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोलकाता के पास हम लोग को देखने को मिलता है, और ये हुगली नदी जो है उस पर ये रिवराइन पोर्ट जो है वो बना हुआ है रिवर हुगली के ऊपर, ठीक है ना। बस इतने फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जो कि आप लोग को ध्यान रखने हैं। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो देखो खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है, ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो कितनी बड़ी बात ये आप लोग को दिखाई दे रही है। तो आप में से कभी भी कोई भी लोग जो भी मेरा लेक्चर ये अभी देख रहे हैं, कभी भी ये मत समझो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी खराब चल रही है। देखो यूपीएससी की जर्नी या किसी भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसकी जर्नी कुछ इस प्रकार की होती है कि ड्यूरिंग जर्नी हम लोग को लगता है कि यार बहुत दिक्कत चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी हो नहीं रही है, बट ट्रस्ट मी आप मेहनत करते जाओ प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती जाएगी, राइट। और मॉक टेस्ट जरूर देते जाना क्योंकि अपने आप को टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगे ना कितने पानी में आप, फिर उस हिसाब से आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो बट कभी भी अपने आप को कमजोर जो है वो नहीं समझना, राइट। अगर आपने जो डिसीजन लिया है, आप ही ने लिया है डिसीजन एग्जामिनेशन में बैठने का, तो आप ही का ये फाइनल ऑप्शन होगा कि उस एग्जाम को क्रैक करना है, क्लियर करना है, ठीक है ना। अब एनीवेज अब स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पर बात हो रही थी तो इसलिए मैंने ये कुछ चीज इनके बारे में बताई, काफी अच्छी लगी मुझे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर स्वामी विवेकानंद जयंती अभी हम लोग को 12 जनवरी को देखने को मिली है तो इसलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में, और उस समय स्वामी विवेकानंद जी इनका नाम नहीं था, इनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, तो थोड़ा नाम याद रखिएगा नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था ये जब ये जन्मे थे, और इन्हीं के जयंती के अवसर पर यानी कि इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूथ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 से हर साल जो है वो 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और आप जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, राइट, तो ये उनके शिष्य हैं, याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम में योग और वेदांत के हिंदू दर्शन यानी कि हिंदू फिलोसफीज, योगा और वेदांत इसकी इंट्रोड्यूस करी थी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, यानी कि वेस्ट में जाकर शिकागो, आपको पता होगा इनकी एक शिकागो स्पीच भी हम लोग को देखने को मिली थी, राइट, और वो काफी फेमस स्पीच है इनकी शिकागो में, तो उसको आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार, यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है वो, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट चीज की बात करें तो 1899 में इन्होंने एक बेलोर मठ
बेलूर मठ जो है उसकी स्थापना करी थी और ये उनका जो है वो परमानेंट स्थान बन गया था, परमानेंट निवास बन गया था, यानी कि बेलूर मठ वहीं पर फिर ये रहा करते थे राइट। 1899 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आधुनिक भारत का निर्माता या फिर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वामी विवेकानंद जी को किसके द्वारा कहा गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करने का मकसद ये था कि अच्छे से अच्छे आइडियाज जो है वो गरीबों से गरीब लोगों को जो है वो मिल सके, यानी गरीब भी जो है वो अच्छे से अच्छा आइडियाज जो है वो सीख सके, उसको अच्छे से अच्छे आइडिया जो है वो मिल सके, जैसे कि वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छी बेहतर कर सके। आपको पता होगा कि रामकृष्ण मिशन के काफी सारे हम लोग को सेंटर्स देखने को मिलते हैं। इवन एक मेट्रो का नाम तो रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन ही पड़ गया है दिल्ली का राइट। वहां पर आप उतरेंगे, ये ब्लू लाइन पर ही है, ब्लू लाइन पे है दूसरी लाइन पर पता नहीं इतना मुझे, मैं काफी साल पहले जो है वो दिल्ली में रुका था राइट, अभी इतना आइडिया नहीं, बट हाँ एक रामकृष्ण स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन वो वहां पर था। तो वहीं पर ही नीचे उतरो आप तो वहां पर रामकृष्ण मिशन हम लोग को देखने को मिलता था, यानी कि वहां पे पूरी जो आश्रम जो था रामकृष्ण आश्रम वो वहां पर था, यानी काफी अच्छा था। एक बार मैं गया था, मौका मिला था मुझे जाने का। चलो एनीवेज, तो ये चीज थी 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी और इस प्रकार के काफी सारे रामकृष्ण मिशन जो है आश्रम्स वगैरह हम लोग को ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं राइट, कि जहां पर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर काफी सारी बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज के बारे में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जान सकते हैं राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, राजयोग, जनयोग, कर्मयोग। तो ये तीन बुक्स हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड, इससे बाहर का जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इतनी ही चीज जो है वो आप थोड़ी सी बस याद करके रखो। दुनिया का दूसरा टॉलेस्ट स्टैचू गौतम बुद्धा का, वो बहुत ही जल्दी हम लोग को गुजरात में देखने को मिलने वाला है। तो अगेन बुद्धिज्म से रिलेटेड टॉपिक और बुद्धिज्म वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दूसरा सबसे टॉलेस्ट सबसे ऊंचा स्टैचू जो है वो हमारे इंडिया में बनने वाला है और ये गुजरात में बनेगा। गुजरात की साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर एक देवनी मोरी नाम की एक जगह है। देवनी मोरी क्या है उसके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट ये याद रखिए ये देवनी मोरी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो आप, ये गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है राइट। तो यहाँ पर ये स्टैचू जो है वो बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का टॉलेस्ट स्टैचू। और सबसे लंबा स्टैचू जो है वो ये है, ये चाइना के अंदर है, जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल राइट। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा, 153 मीटर लंबा ये स्टैचू है और हमारे इंडिया में 108 मीटर का स्टैचू गौतम बुद्ध का बनाया जाएगा राइट। तो ये वाली चीज आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। देवनी मोरी की मैंने आपको बात करी, ये क्या है, तो गुजरात स्टेट की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1953 में देवनी मोरी नाम की एक जगह जो है उसको खोद के निकाला था। कहा जाता है कि ये तीसरी और चौथी सेंचुरी एडी की जगह है, यानी कि यहाँ पर काफी सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हम लोग को देखने को मिली थी, खुदाई करके निकाली गई थी, ये तीसरी और चौथी सेंचुरी एडी की थी राइट। और देवनी मोरी इसका नाम जो है वो रखा गया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो सबसे यानी कि इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई थी वो ये थी कि 1700 साल पुराने डब्बा जो है, कास्केट जिसको हम लोग बोलते हैं राइट, तो उसके अंदर जो है बुद्धा के बॉडीली रिलिक्स थे, यानी कि बुद्ध की अवशेष थे, उनकी अस्थियां वगैरह हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। और एक इंस्क्रिप्शन भी मिला, एक शिलालेख भी मिली, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि ये बॉडीली रिलिक्स जो है, यानी कि ये ताबूत के अंदर बुद्ध के अवशेष जो है वो, यानी कि जो अवशेष है वो बुद्ध के हैं राइट, यानी कि गौतम बुद्ध के अवशेष यहाँ पर है। और बकायदा लिखा हुआ था, यानी कि इसमें किसी रिसर्चर वगैरह को सर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, ऑलरेडी वहां पर एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन था कि यहाँ पर जो ताबूत के अंदर जो एक जिसको हम लोग कैस्केट बोलते हैं, एक तरह का डब्बा होता है, तो उसके अंदर जो जितने भी अवशेष थे, यानी कि अस्थियां वगैरह बोल सकते हो, बॉडीली रिलिक, तो वो अवशेष जो थे वो बुद्ध के थे, गौतम बुद्ध के। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है गौतम बुद्ध के अवशेष जो है वो कहाँ पर निकले थे, और उसका परफेक्ट इंस्क्रिप्शन मिला था, तो वो देवनी मोरी नाम की एक जगह है जो कि गुजरात में है, वहां पर देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है राइट देवनी मोरी, तो ये वाली चीज याद रखिएगा, ये पूछ ली जा सकती है आपसे इससे रिलेटेड। अब जीएस पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, अब जीएस पेपर टू के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है यहाँ पर H9N2 वायरस के बारे में, H9N2 विषाणु के बारे में। तो अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर पहला केस डिटेक्ट हुआ है H9N2 वायरस का। दोस्तों ये महाराष्ट्र के एक 17 महीने छोटे लड़के जो है, बच्चा जो है, यानी कि मेल चाइल्ड जो है, उसमें हम लोग को ये वायरस देखने को मिला, यानी कि एक छोटा बच्चा जो है वो इन्फेक्ट हुआ है इस H9N2 वायरस से।
तो देखो गाइस, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी वायरस था, बट ये पहले वायरस जो हुआ करता था ये हम लोग को सिर्फ मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में देखने को मिलता था, राइट। और अक्सर बर्ड्स वगैरह में ये वायरस हुआ करता था, ह्यूमंस तक जो है वो नहीं फैलता था, यानी कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये H9N2 नाम का वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करे, राइट। और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जो है वो सब टाइप है, और इस वायरस के चलते बर्ड फ्लू वगैरह जैसी चीजें या फिर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को इससे रिलेटेड याद रखनी है। और कहा गया है कि ह्यूमन इन्फेक्शन जो अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं पूरी दुनिया भर में, वो हांगकांग, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इजिप्ट, और उसके बाद इंडिया के अंदर पहला केस H9N2 वायरस का देखने को मिला ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ये ह्यूमन को पहली बार डिटेक्ट हुआ है और पहले ये वायरस था। अब ये चीज याद रखना कि ये वायरस जो है वो नया वायरस नहीं है, जैसे कल हम लोग ने बात करी थी ना कोरोना वायरस के बारे में, राइट, जिसको अभी चाइना ने जो है वो डिटेक्ट किया था, एक नया प्रकार का वायरस कोरोना वायरस, कल हम लोग ने बात करी थी कल के लेक्चर में। अब यहां पर बात हो रही है H9N2 वायरस, तो ये नया वायरस नहीं है, बट हाँ पहला केस इसका ह्यूमन का डिटेक्ट हुआ है, यानी कि ह्यूमन में पहली बार ये वायरस जो है वो डिटेक्ट किया गया है, राइट। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है, ये भी आप लोग को बस याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है इस वायरस से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसा पूछ लिया जाएगा कि H9N2 अभी न्यूज में था क्या है ये, तो पता होना चाहिए एक विषाणु है ये वायरस है, ठीक है ना। अब देखो गाइस, इस न्यूज की बात करें तो देखो बताया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक ह्यूमन राइट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक निजी संपत्ति एक मानव अधिकार है। देखो कल की न्यूज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट टू इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये थोड़ी सी आप लोग को याद रखने वाली होती है, हालांकि याद रखने की आवश्यकता नहीं, मेरा वीडियो देख रहे हो आप तो आपको लॉन्ग टर्म तक ये सब चीजें मतलब याद रखने की आवश्यकता नहीं, याद ही नहीं, याद करने वाली चीज ही नहीं है ये, क्योंकि कल की टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, तो मैंने आपको जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया था, आपके कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो वो नेचुरली आपके दिमाग में जो है वो फीड हो गया था कि हाँ यार राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। आज वैसे ही हम लोग जो पढ़ेंगे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, तो उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको नेचुरली पता लग जाएगा कि यार ये वाकई में एक ह्यूमन राइट है, और इस चीज़ को ऑफिशियली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है, अपना जजमेंट दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है निजी संपत्ति। तो देखो हुआ क्या था, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात है ये, यहाँ पर क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को एक रोड बनानी थी, और उस रोड के बीच में जो है वो एक प्लॉट आ रहा था, एक एरिया आ रहा था, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही थी, राइट। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं दिया और रोड बना ली, यानी कि बिना जिसकी जमीन है बिना उसकी इजाजत लिए उस जमीन के ऊपर रोड बना दी, और आज तक जो है वो उस जमीन के मालिक को जो है वो पैसा नहीं मिला है, कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। और ये बात पता है कब की है, 1967, और 52 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई भी कंपनसेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने उस इंडिविजुअल को नहीं दिया जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर से रोड निकाल दी थी, राइट। यानी कि बिना उसकी इजाजत के उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज कर दी, और यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी का जो राइट है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसने, उसका ना उनको पैसा मिला और उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई, राइट। और स्टेट ने ये कब्जा किया था उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, गवर्नमेंट ने कब्जा किया था एक तरह से, हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसको लेकर जो है ये पहले तो स्टार्टिंग में जो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको बिल्कुल भी लॉज वगैरह के बारे में पता नहीं था, अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था, राइट। तो वो उन्होंने कोई कहीं पर भी केस वगैरह फाइल नहीं किया, वो भटकते रहे इधर उधर, राइट। बट क्या हुआ, उसके कुछ समय के बाद इन्होंने हाईकोर्ट में जो है वो केस फाइल किया, बट उनका जो हाईकोर्ट में जो उनकी पिटीशन जो थी गई वो रिजेक्ट हो गई थी, और फिर उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और वहां पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रॉपर तरीके से न्याय दिया, और ना ही सिर्फ उनको और बाकी सभी लोग को कह दिया, और इवन स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी जो है वो चेतावनी जो है वो दे दी, एक तरह से वार्निंग दे दी कि किसी की भी प्रॉपर्टी को बिना उसके इजाजत के जो है वो हड़पा नहीं जाएगा, या बिना उसकी मंजूरी के हड़पा नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि जनरली हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, उनके आसपास के जो एरियाज जो होते हैं, यानी कि जिस भी एरिया पे कंस्ट्रक्शन करना है और वहां पर आसपास कोई अड़ंगा आता है, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी आती है, तो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेती है गवर्नमेंट, और सरकारी रेट पे परचेज कर लेती है। और आप समझदार हैं, आप जानते होंगे कि सरकारी रेट उतने सही नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट रेट के, राइट। और बट आजकल तो वैसे भी रजिस्ट्री वगैरह जो है वो काफ़ी जो है वो हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इसमें इवन ये भी होता है कि जो रजिस्ट्री जितने की होगी उतने का ही अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, उसके ऊपर फिर ब्लैक मनी वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार से। बट समझदार हो आप, आपको पता होगा कि ये मार्केट रेट और गवर्नमेंट रेट कितने ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी तो परचेज कर लेते हैं, राइट, एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट उस जगह पर अगर कोई सरकार का प्रोजेक्ट जारी होता है
तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कौड़ियों के भाव सरकार खरीद देती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो उनका जो है वो उस प्रॉपर्टी का राइट जो है वो छिन गया उनसे, पहली चीज, और दूसरी बात उनको प्रॉपर कंपनसेटरी अमाउंट नहीं मिला। और ये तो एक चीज थी, चलो ठीक है नहीं मिला तो कुछ तो मिला, सरकारी रेट मिले, लीगल रेट मिले, वो भी चलेगा, हम लोग को मान लिया हमने। बट यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश वाले उस केस में तो उस महिला की प्रॉपर्टी जो थी वो तो कब्जा कर ली सरकार ने। और अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करता है तो हम उसको बोलते हैं गुंडा, ये अतिक्रमणकारी है, एंक्रोचर है, एंक्रोच कर रहा है, प्रॉपर्टी हड़प रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट एक गुंडे की तरह काम कर रही थी, उसने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली और उसका कंपनसेशन तक नहीं दिया। तो यहाँ पर यही कहा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चीजों को ऑब्जर्व किया और कहा कि एक सिटीजन का राइट है एक प्रॉपर्टी को खरीदना, और वो जो राइट होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो एक ह्यूमन राइट की तरह होगा। क्योंकि आप जानते हो कि गाइस की एक प्रॉपर्टी जो होती है वो इमोशनली भी अटैच होती है काफी सारे लोगों से। जैसे कि हम, आप हैं, हम अपने जिस घर में रह रहे हैं वो घर अचानक से कोई छीन ले हमसे तो हम लोग को कितना वो होगा अंदर से, यानी कि क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी से इमोशनली भी अटैच होते हैं, बचपन जो है वो बीता होता है उस प्रॉपर्टी में, राइट। और एकदम से कोई छीन ले उस प्रॉपर्टी को, आप बेच रहे हो वो अलग बात है, बट एकदम से किसी ने कब्जा कर लिया, हड़प ली वो प्रॉपर्टी, तो वो हर्ट होता है ना। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। और कहा गया है कि अगर स्टेट प्रॉपर्टी लेना चाहती है किसी से, अपने कब्जे में करना चाहती है प्रॉपर्टी, तो वो रूल्स रेगुलेशंस कानून के हिसाब से करेगी, इस प्रकार से जो है वो अतिक्रमण नहीं करेगी, इस प्रकार से एंक्रोचमेंट जो है वो नहीं करेगी। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, राइट। तो इसको स्टेट जो है वो एंक्रोचर बन जाएगी अगर इस प्रकार की चीजें करेगी। तो यही सब चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व करी है और कहा है कि एक वेलफेयर स्टेट जो है, कल्याणकारी राज्य जो है, वो उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन राइट है, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ी सी बात राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर लें आप, आई थिंक आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई है कि क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये सब चीज बोली कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन राइट है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है और उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए, और चेतावनी भी दी है दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो भी जो है वो अवेयर हो जाए इस चीज से, राइट। अगर वो कर रहे हैं इस प्रकार की एक्टिविटी, किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो कंपनसेशन भरना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्रकार से छीनी जा रही है। चलो एनीवेज, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जाने। तो एक टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, आर्टिकल 31 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती थी। फिर क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का आया, और उस समय आर्टिकल 31 से, यानी कि फंडामेंटल राइट से हटाकर प्रॉपर्टी को जो है वो, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको आर्टिकल 300A के अंदर जो है वो डाल दिया था। तो ये चीज याद रखना, आर्टिकल 300A, राइट। और राइट टू प्रॉपर्टी ना ही सिर्फ अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ही स्टैचुटरी राइट है, बट अब ये एक ह्यूमन राइट भी बन गई है। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्शन में अगर ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट पे टिक कर देना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैचुटरी राइट, ह्यूमन राइट, ऑल द अबव है तो आप ऑल द अबव पे टिक करिएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट न्यूज में देखो, बात हो रही है यूनिसेफ जो है गाइस, इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अंडर 5 गर्ल्स की बहुत ही ज्यादा मृत्यु हो रही है, यानी कि 5 साल से कम की उम्र की जो बच्चियां हैं उनकी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा है, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई, और ये एक रिपोर्ट रिलीज करी है यूनिसेफ ने, जिस रिपोर्ट का नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो ये रिपोर्ट का नाम है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है, याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा। अब देखो, 5 साल से कम की बच्चों की जो मृत्यु हो रही है, राइट, तो पूरी दुनिया भर में 5 साल से कम की जो मृत्यु हो रही है 2018 में जो हुई है बेसिकली, तो उसकी आधी, यानी कि अगर 100 मृत्यु हुई है पूरी दुनिया भर में, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ 2018 के अंदर, तो इनमें से 50 मृत्यु जो हुई है ये इन 5 देशों में देखने को मिली है, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इथियोपिया। ये 5 राज्यों में, यानी कि पूरे दुनिया भर के 50% अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, यानी कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। और सबसे बड़ा कारण जो है वो है डायरिया और निमोनिया, जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, वैक्सीन के चलते, अच्छी दवाइयों के चलते डायरिया और निमोनिया को खत्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, निपटा दिया जा सकता है, यानी कि ये सब डिजीज जो है वो होनी नहीं चाहिए अगर वैक्सीन ली जाए प्रॉपर टाइम पे, दवाइयां वगैरह ली जाए, यानी कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, बट देन टू बच्चे जो है उनकी मृत्यु इन डायरिया और निमोनिया के कारण हो रही है, प्रिवेंटेबल डिजीज के कारण हो रही है, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि प्रिवेंट हो सकती है उसके कारण हो रही है। तो ये काफी हैरानक वाली बात हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो उसके लिए जो है वो सरकार को काम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, स्पेशली डायरिया और निमोनिया को खत्म करने के लिए जगह जगह पर वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हालांकि आज की डेट में मिलती है, बट हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां, और इवन जो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि गुजरात और राजस्थान के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर 600 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई थी
600 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु गुजरात और राजस्थान में, और उसका कारण क्या था, वहां पर प्रॉपर सर्विसेज नहीं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये उसका बड़ा कारण था। तो ऐसी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट की जाए और डायरी और निमोनियो के ऊपर ज्यादातर ध्यान रखा जाए, तो ये चीज आप मेंस में जो है वो उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार की चीजें। अब थोड़ी सी नजर मार लें राज्यों के ऊपर गाइस, तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट जो बच्चियों का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो आसाम में देखने को मिल रहा है, वो 45 है राइट। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर हरियाणा और झारखंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है जो है वो हमारे राज्यों की है। और आप देखो बताया गया है कि 2018 के अंदर हर दिन एवरी डे 5 साल से कम की उम्र की के बच्चे जो है गाइस उनकी मृत्यु हो रही है, यानी कि टोटल 15,000 बच्चों की मृत्यु हर दिन हो रही है जिनकी उम्र 5 साल से कम की है। और ये आंकड़ा जो था वो 1990 में 34,000 था और सन 2000 में ये आंकड़ा 27,000 हम लोग को देखने को मिला था। काफी डेंजरस है ये, छोटे बच्चों की इतनी संख्या में मौत हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है राइट। तो ये चीज आप लोग को इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग जीएस पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, ये नासा का एक प्रोग्राम है गाइस, जिस प्रोग्राम के तहत सन 2024 में नासा मून पर कुछ लोगों को भेजने वाला है, यानी कि ह्यूमन पे मून पे जो है वो ह्यूमन जो है वो जाने वाले हैं सन 2024 में राइट। तो ये नासा का मिशन है, इसमें दो तीन चीजें बस आप इस मिशन की याद रखो आर्टेमिस मिशन की। पहली चीज तो ये किसका मिशन है, नासा का मिशन है, और ये किससे रिलेटेड मिशन है कि ह्यूमन जो है वो मून पर जाएंगे राइट इस मिशन के तहत। कब जाएंगे, सन 2024 में। और इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए इसलिए है एग्जामिनेशन के लिए भी ये टॉपिक, क्योंकि इंडियन अमेरिकन एक है जो कि एक इसी टीम का हिस्सा है जो मून पर जाने वाले हैं, और इनका नाम है राजा छारी। तो राजा छारी एक इंडियन अमेरिकन है जो कि मून पर जाएंगे राइट। तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और बताया गया है कि पहली वुमेन जो है वो अब मून पर जाने वाली है सन 2024 में, इसलिए भी ये आर्टेमिस मिशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट। और दूसरी बार जो है वो ह्यूमन जो है वो मून पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे राइट। और आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन। और ये मिशन का नाम आर्टेमिस इसलिए रखा गया है क्योंकि जो देवी जो है गाइस मून की देवी, ग्रीक माइथोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ग्रीक पौराणिक देवी जो है उनकी अगर हम लोग बात करें, तो उनका नाम भी आर्टेमिस था, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये मिशन का जो है वो नाम रखा गया है ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड याद रखने हैं आपको। बट लूनार मिशन अभी तक कितने हुए हैं और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करें, तो अभी तक चांद पर जितने भी मिशन हुए उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो अपोलो 11 मिशन बहुत फेमस मिशन है, आप जानते हो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो 1969 में मून पर गए थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था, तो वो 1969 का समय था जब अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया था। बट उससे पहले यूएसए ने क्या किया था कि सभी चीजें सेफली जो है वो कंडक्ट हो, यानी कि सेफली ह्यूमन जो है वो मून पर जा पाए, तो उससे पहले उन्होंने 1961 और 1968 के समय पर तीन जो है वो रोबोटिक मिशन लॉन्च किए थे राइट, टेस्टिंग वगैरह करने के लिए मून के ऊपर, उसके बाद जो है फॉर ह्यूमंस को भेजा था मून पे। और उसके बाद बताया गया कि जुलाई 1969 के बाद 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो है गाइस उन्होंने मून के सरफेस में एंटर किया था 1972 तक। और फिर 1959 के अंदर सोवियत यूनियन का एक अनक्रूड, यानी कि वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं था उसके अंदर, तो ये यानी कि अनक्रूड था, जैसे कि अभी हमारा चंद्रयान 2 गया था राइट, तो उसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं था राइट। तो वैसे ही लूना 1 और लूना 2 जो है वो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1959 में, और ये पहला रोवर था जिसने मून पर विजिट किया था। उसके बाद 1990s के बाद यूएसए ने फिर से लूनार एक्सप्लोरेशन यानी कि मून के एक्सप्लोरेशन को शुरू कर दिया राइट। यहाँ पर हम लोग को रोबोटिक मिशन क्लेमेंटाइन देखने को मिला था और लूनार प्रोस्पेक्टर देखने को मिला था। और फिर सन 2009 के अंदर एक नई सीरीज हम लोग को रोबोटिक लूनार मिशन की देखने को मिली थी, जिसका नाम था लूनार रिकनसाइंस ऑर्बिटर और दूसरा था लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट। तो इस प्रकार की चीज 2009 में जो है वो शुरू हो गई थी। फिर 2011 के अंदर नासा ने आर्टेमिस मिशन की जो है वो शुरुआत करी थी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्टेमिस मिशन, तो ये 2011 में शुरुआत करी थी नासा ने इस मिशन की राइट। इसके अलावा 2012 के अंदर ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल स्पेस क्राफ्ट जो है इसको लॉन्च किया था राइट। ये बेसिकली मून की ग्रेविटी को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यूएसए के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, चाइना और इंडिया, तो ये कुछ कंट्रीज हैं गाइस जिन्होंने अभी तक मून को एक्सप्लोर किया है। और अगर हम लोग चाइना की बात करें गाइस, तो चाइना जो है गाइस इन्होंने 2 रोवर जो है वो मून के सरफेस पर उतार दिए थे, और ये बात 2019 की है। और चाइना पहली कंट्री ऐसी बन गई थी जिसने मून के पीछे वाले हिस्से को राइट वहां पर जो है वो, यानी जिसको हम लोग फार साइड बोलते हैं मून का,
वहां पर ये लैंडिंग करवाई थी, क्योंकि मून का पीछे वाला हिस्सा जो है वो आज तक किसी ने नहीं देखा है। हम लोग जो देखते हैं ना धरती से मून को, वो मून का फेस देखते हैं, राइट। मून का पीछे वाला हिस्सा आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, राइट, किसी ने भी। तो उस एरिया पर जो है वो चाइना ने अपने रोवर को उतार दिया है, राइट, सन 2019 में। तो यही चीज आप याद रखिएगा। और चाइना का जो ये मिशन जो था, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, उस मिशन का नाम है ई चैंग मिशन। क्या नाम है? ई चैंग। कहीं पर लिख सकते हो आप तो लिख लो, ई चैंग, ई सी एच ए एन जी इसका नाम है, ई चैंग मिशन, ठीक है। ये चाइना का मिशन है जिसमें उसने दो रोवर जो है वो उतारे थे चाइना के फार सॉरी मून के फार साइडेड एरिया में, यानी कि मून के पीछे वाले एरिया में। और पहली बार ऐसा हुआ था जब मून के पीछे वाले एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए ये लैंडर उतारे गए थे। और इसरो की अगर हम लोग बात करें, इंडिया की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इंडिया जो है वो अपना चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है, जहां पर फिर से हम लोग को लैंडर और रोवर देखने को मिलेगा, राइट। तो लैंडर और रोवर वाला मिशन है इंडिया का चांद के लिए, चंद्रयान 3, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। और इंडिया का सूर्य के लिए भी एक मिशन आने वाला है जिसका नाम है आदित्य, राइट, सन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा हम लोग ने चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी। और चंद्रयान 2 आप जानते हैं कि अभी पिछले साल ही लॉन्च किया गया था, और वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारा जो लैंडर जो था वो वहां पर टूट गया था, राइट, यानी कि उसने सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कर नहीं पाया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है, ऑर्बिटर चंद्रयान जो है उसकी मैपिंग वगैरह कर रहा है, चांद की मैपिंग वगैरह कर रहा है। बाकी जो हमारा वो था लैंडर वो डिस्ट्रॉय हो गया। चलो एनीवे, अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें गाइस, तो ये सब चीज़ें आई होप कि आपको पता अच्छे समझ में आ गई है जो मैंने समझाई है, और इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आप लोग को नज़र मारना है, राइट, क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि मून के एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, राइट। चंद्रयान 2 हुआ, अब चंद्रयान 3 भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द, राइट। इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि आर्टेमिस मिशन की अगर हम लोग बात करें, राइट, जिसमें एक इंडियन अमेरिकन थे, तो ये इसलिए थोड़ा मून वाला मिशन जो है, और इवन ई चैंग भी अभी रिसेंट पास्ट में ही हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि 2019 में हुई है, ये डेफिनेटली 2020 के यूपीएससी में आएगी, और इवन 2021 में भी आ सकती है, क्योंकि आजकल 2 सालों के क्वेश्चन जो है वो पूछती है यूपीएससी, राइट। ये चीज़ आपने शायद नोटिस करी होगी, 2019 के पेपर में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। एनीवेज, अब नेक्स्ट न्यूज़ में बात करेंगे वेटलैंड बर्ड सेंसस के बारे में। तो वेटलैंड बर्ड सेंसस जो है, जनगणना जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोग को देखने को मिली। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। आप देखो, आसाम अपनी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ भी शेयर करती है, भूटान के साथ भी शेयर करती है, तो ये भी याद रखिएगा गाइस आप। और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि मैं अपने रेगुलर व्यूअर जो है उनको ऑलरेडी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, बट जो पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, और या फिर आप लोगों ने अगर नेशनल पार्क वाले आंसर को नहीं लिखा है, तो अभी आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, रेगुलर व्यूअर्स के लिए नहीं है जिन्होंने नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन जो है वो लिख लिया ऑलरेडी। तो देखो गाइस, जो भी पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपने नेशनल पार्क वाले मेरे क्वेश्चन को नहीं सुना है अभी तक, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपने स्टेट का नाम लिखिए, आपके स्टेट के आगे लिखिएगा कि आपकी स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा आप, राइट। और बाकी रेगुलर व्यूअर्स जिन्होंने लिख लिया है तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है दोबारा से, राइट। तो यहाँ पर ये आसाम की बात करी हम लोग ने, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है उसकी बात करी, और ये दूसरा वेटलैंड बर्ड काउंट है, या फिर वेटलैंड बर्ड सेंसस हम लोग को देखने को मिल रहा है दूसरा, राइट, जो कि 9 से 10 जनवरी 2020 में कंडक्ट किया गया था। और इससे पहले जो हुआ था वो 2018 में हुआ था वेटलैंड बर्ड सर्वे, और 2018 के मुकाबले इस साल 2019 वाला जो सर्वे जो है उसमें पाया गया है कि काफ़ी सारी बर्ड्स जो है वो हम लोग को काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिली है, 19,225 बर्ड्स देखने को मिली है। हालांकि आप लोग को ये बर्ड वगैरह के फिगर याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस ये याद रखो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। और हमारी कंट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व हम लोग को वेटलैंड बर्ड्स के नाम पर देखने को मिल रही है, यानी कि स्पीसीज के नाम पर। यहाँ पर 96 स्पीसीज है, राइट, वेटलैंड बर्ड्स की, और हमारी कंट्री के जितने भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये बर्ड के नंबर्स हम लोग को यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिल रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यूनेस्को ने 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था काजीरंगा नेशनल पार्क को, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि आप लोग को ध्यान में रखने हैं। और बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे गाइज, बट अभी रुकिए, आपको जाना नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, और या फिर अगर आप टेलीग्राम के किसी ग्रुप्स वगैरह में भी ज्वाइंट होंगे, स्टडी ग्रुप्स में बेसिकली, तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट शर्त यही है, अगर आपको समझ में आए तभी शेयर करिएगा, वरना नहीं करिएगा। इसके अलावा जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स हैं, वो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला टॉपिक अपोलो मिशन के बारे में पढ़िए थोड़ा सा,
इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानी है, राइट, कि क्या हुआ था अपोलो 11 मिशन में, अपोलो 11 मिशन में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन गए थे, कौन कौन नहीं, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग का नाम ही बस आप लोग को पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, कब हुआ था ये मिशन, राइट, इंपॉर्टेंस क्या थी उस मिशन की, बस थोड़े बेसिक फैक्ट्स बस आप पढ़ के रखो। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ये दोनों से रिलेटेड काफी अच्छे से फैक्ट्स याद करके रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल आएंगे। ई चैंग मिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आने की उम्मीद काफी ज्यादा है, तो वो ये ई चैंग मिशन क्या है, किसका मिशन है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने भी आपको प्रीवियस कुछ मिनटों में जो है वो बताई थी ई चैंग मिशन के बारे में, राइट, तो यही है, चाइना का मिशन है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के बारे में, इस टॉपिक को मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मिल जाएगा आपको, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा इस कानून के बारे में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, और बताया जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आठवां अजूबा जो है वो घोषित कर दिया है, दुनिया का आठवां अजूबा स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि तो इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसके द्वारा दुनिया का आठवां अजूबा घोषित किया गया है, तो यह है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ी सी चीज पढ़िएगा, ये स्टैचू जो है वो किनके ऊपर बनाया गया है, इस स्टैचू की खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहां पर है ये स्टैचू, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है आपको। इसके अलावा यूनिसेफ जो है इसके बारे में पढ़िए, कब बनी थी, क्यों बनी है, भाई क्या काम है इसके, रिसेंट पास में इसने क्या क्या चीजें करी हैं, कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह ये रिलीज करती है, तो उस पर एक नजर मारिएगा। तो ये आपको करना है, इससे रिलेटेड अपने पास नोट्स बनाने हैं, और अगर ये सब चीज कर लो आप तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और देखो कई सारे लोगों को डाउट होता है ये होमवर्क कहाँ पर लिखें, देखो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स पर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास अपने पेन और पेपर निकालिए और उस पर लिखिए और अपने पास रखिए, राइट, और ये सब काम करने के बाद ही नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा होमवर्क डन। और दूसरी चीज, कई सारे लोगों को डाउट होती है कि सर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, तो देखो गाइस ये टॉपिक्स, इनमें से अधिकतर टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, 99% टॉपिक्स कंप्लीटेड होते हैं मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर। और इसके अलावा जैसे कि आप हमारे अगर पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो वहां पर भी आप अपने जो भी आपके टीचर होंगे वहां पर आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद होंगे, तो उनसे आप जो है ये सब क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और उनसे आंसर्स वगैरह मांग सकते हैं, या फिर उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक्स को कब पढ़ाएंगे, तो वो भी आपको इस टॉपिक को रिव्यू करवा देंगे या फिर इससे रिलेटेड डेटा वगैरह आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलो एनीवेज बस आज के लिए इतना ही था, और रही बात इस लेक्चर के पूरे पीडीएफ की गई, तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को ही प्रोवाइड की जाती है, और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके, और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।